सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ मैंने दो प्रीसेट का लिंक दिया है, पहला बीट मार्क प्रीसेट, दूसरा इफेक्ट प्रीसेट। दोनों को आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके बीट मार्क वाले सेट को ओपन करना है। तो चलिए हम भी इसको ओपन कर लेते हैं। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे आपका लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फोटो एडिट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पे आना है, फिर आपको यहां से लेकर एंड तक जितना भी रेड कलर में इमेज का लेयर मिलेगा सारे लेयर में आपको अपना अलग अलग फोटो एडिट कर लेना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर आपको कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां से आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां प्लस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले लेयर को सेलेक्ट करना है, फिर से आपको कलर एंड फिल पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां से फिर आपको नेक्स्ट वाले फोटो को सिलेक्ट करके प्लस पर क्लिक कर लेना है। इसी तरह से आपको एंड तक जितना भी इमेज का लेयर है सारे लेयर में आपको अपना फोटो एडिट कर लेना है। तो चलिए हम इसको एडिट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि एंड तक हम अपने सारे लेयर में फोटो एडिट कर चुके हैं। इसके बाद आपको इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है, इसके लिए आपको सिंपली बैक आना है और अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको यहां पर चार लेयर देखने को मिलेगा, चारों को आपको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको बैक आना है और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको यहां प्लस पर क्लिक करना है, फिर आपको पेस्ट फॉर लेयर पर क्लिक करके चारों को आपको यहां पर पेस्ट कर लेना है। तो फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। अगर आपको इसको सेव करना है तो सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। अगर आपको इसको गैलरी में सेव करना है तो सिंपली आपको यहां से बोले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।